रविचंद्रन अश्विनी का नाम इस समय टेस्ट क्रिकेट के सबसे सफल स्पिनरों में शुमार हो गया है। आपको बता दें कि लेकिन उनके आंकड़े सीमित ओवरों की क्रिकेट में भी लाजवाब रहे। इतना ही नहीं, यहां पर शनिवार को 25 सितंबर को आर अश्विनी ने बतौर गेंदबाज एक खास उपलब्धि भी हासिल कर दी है। आपको बता दें कि यहां पर जो है ऑफ स्पिनर आर अश्विनी ने T20 क्रिकेट में 250 जो है विकेट पूरे कर लिए। हालांकि यहां पर ये इससे ज्यादा मैच खेल चुके हैं। रविचंद्रन अश्विनी का नाम इस समय टेस्ट क्रिकेट के सबसे सफल स्पिनरों में शुमार किया जाता है, लेकिन उनके आंकड़े सीमित ओवरों की क्रिकेट में भी लाजवाब है। इतना ही नहीं, शनिवार 25 सितंबर को आर अश्विनी ने बतौर गेंदबाज एक खास उपलब्धि हासिल कर दी है। ऑफ स्पिनर आर अश्विनी ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट पूरे कर लिए, हालांकि वे इससे ज्यादा मैच खेल चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाज आर अश्विनी ने 254 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की और T20 में 250 या इससे ज्यादा विकेट लेने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। 254वें मैच में उन्होंने 250वीं विकेट हासिल की। उनसे पहले यहां पर पीयूष चावला और अमित मिश्रा ने यह कारनामा कर दिखाया था। फिलहाल दोनों के नाम 262 विकेट हैं। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के रेवन बरो के नाम है, जिन्होंने 502 मैचों में 546 विकेट चटकाए। T20 क्रिकेट में 250 विकेट आर अश्विनी ने अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट को मिलाकर की है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा इसमें IPL और साथ ही घरेलू T20 क्रिकेट के मुकाबले शामिल। वहीं ड्रेवन ब्रावो दुनिया भर में T20 लीग खेलते रहे हैं। ऐसे में उनके नाम इतने ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। बड़ी बात यह भी है कि उनका औसत भी काफी अच्छा है, क्योंकि उन्होंने T20 क्रिकेट में अपने मैचों से ज्यादा विकेट हासिल की। आर अश्विनी की बात करें तो उन्होंने IPL में अपना 140वां विकेट हासिल किया था। वहीं इससे पहले 52 विकेट उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में चटकाई, जबकि 108 विकेट उन्होंने घरेलू T20 क्रिकेट शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में चटकाई है। इसी तरह पीयूष चावला और साथ ही अमित मिश्रा भी IPL के अलावा घरेलू T20 टूर्नामेंट में विकेट चटका चुके हैं। IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की लिस्ट में आर अश्विनी छठवें नंबर पर हैं।